मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। IIT है मुंबई में, खड़गपुर में है, हमारे देश में बनारस में है, दिल्ली में है, कानपुर में है। तो ये जो बड़े बड़े IITs हैं हमारे देश में, इनमें से जो भी बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट्स निकलते हैं सब अमरीका भाग जाते हैं। उनके लिए पहले से एक माहौल बना दिया जाता है पढ़ते पढ़ते, और माहौल क्या बनाया जाता है कि जो प्रोफेसर्स उनको पढ़ाते हैं वो रात दिन उनके दिमाग में एक ही बात पूछते रहते हैं, बोलो अमरीका में कहाँ जाना, बोलो कहाँ जाना, बोलो। तो जब पढ़कर तैयार होते होते निकलते हैं तो तुरंत उनका ऑफर होता है कि चलो हम अमरीका में जाने के लिए तैयार। इसी तरह से हमारे देश में जो बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स निकलते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में से या कहीं और जगह से, वो अमरीका भागने को तैयार। इसी तरह से बेस्ट क्वालिटी कहीं मैनेजर्स निकलते हैं IIM में से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में से या कहीं और से, वो अमरीका भागने को तैयार। तो ऐसा एक जाल फेंक रखा है जैसे शिकारी फेंकता है कि हर अच्छा विद्यार्थी जो कुछ कर सकता है इस देश में रहकर अपने राष्ट्र के लिए अपने समाज के लिए, वो हिंदुस्तान से अमरीका भाग जाता है। इसको तकनीकी भाषा में आप ब्रेन ड्रेन कहते हैं, मैं हिंदुस्तान की तकनीकी का सत्यानाश मानता हूं इसको। क्योंकि ये जो बेस्ट क्वालिटी ब्रेन अगर हमारे देश में नहीं टिकेगा तब तो हमारी टेक्नोलॉजी हमेशा इसी तरह से पीछे रहती जाएगी। आप सीधे से समझिए ना कि जो विद्यार्थी पढ़कर तैयार हुआ वही विद्यार्थी अगर हिंदुस्तान में रुके तो क्या क्या नहीं करेगा अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, लेकिन वो दिमाग अगर यहां नहीं रुकेगा अमरीका चला जाएगा तो वो जो कुछ करेगा वो अमरीका के लिए करेगा और अमरीकी सरकार के लिए करेगा। और हम बेवकूफों की तरह से क्या मानकर बैठ जाते हैं, देखो डॉलर तो आता, अरे डॉलर जितना आता उससे ज्यादा गुना तो नुकसान हो जाता। और हमको क्या लगता है जी कि अमरीका जाने से रुपया ज्यादा मिलता है, हम हमेशा क्या बेवकूफी का हिसाब लगाते हैं, हमारा $1.43 के बराबर, अमरीका का $1 हमारे $43 के बराबर। तो किसी को $100 मिलेगा तो हम कहेंगे $4,300 मिल रहा, अरे उनके लिए $1 1 रुपए जैसा। हम ये कभी होश नहीं लगाते अपने दिमाग में, हम हमेशा कैलकुलेशन करते हैं कि उनका तो $1.43 का, कल कहीं $1.70 का भी हो जाएगा, 100 का भी हो जाएगा, तो हमारा हिसाब उसी तरह से लगता रहेगा। तो उस हिसाब को जब हम जोड़ते हैं तो हमको लगता बड़ा भारी फायदा है, वास्तव में उसमें नुकसान। क्या नुकसान है, एक इंजीनियर तैयार करने में IIT में 5 साल में बड़े आराम से 5-5.5 लाख रुपए खर्च होता। तो 5-5.5 लाख रुपए खर्च करके आपने जिसको तैयार किया और इस उम्मीद में तैयार किया कि समय आने पर वो राष्ट्र के काम में लगेगा, देश के काम में लगेगा, आपको सहारा देगा, राष्ट्र को सहारा देगा, वो अचानक से भागकर अमरीका चला गया। तो वो सहारा तो अमरीका को दे रहा, और अमरीका कौन है, दुश्मन। तो दुश्मन को हम अपना दिमाग सप्लाई कर रहे हैं। और इस देश में ऐसे कुछ लोग भी हैं बड़े बेवकूफ किस्म के, जो बड़ा गौरव महसूस करते हैं कि हमारा बेटा अमरीका में, हमारी बेटी अमरीका, इसको बड़ा भारी स्टेटस सिंबल समझते कि हमारा बेटा अमरीका चला गया, हमारी बेटी अमरीका चली गई। तो मैं उनको कहता हूं तुम क्यों मर रहे हो, तुम क्यों नहीं जाते अमरीका में, और बाद में रोते भी हैं, बेटा बेटी को अमरीका भेज के फिर रोते भी हैं। रोते कब हैं, जब उनकी जिंदगी का आखिरी समय आता, आखिरी समय आता है तो माताजी के प्राण निकलने वाले हैं और माताजी बेटाजी का चेहरा देखना चाहती है। बेटाजी फोन पर हेलो कह रहे हैं और बेटाजी ने कहा कि माँ यहां तो फुर्सत नहीं है, अभी तो टिकट भी मुश्किल से मिलेगा, फ्लाइट भी नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमाका नहीं है, अभी तुम कहो तो कुछ डॉलर भेज देता हूं। अब वो लड़का जो अपनी माताजी को अपना चेहरा दिखाए तो उसके मां के प्राण निकले, तब तक मां के प्राण नहीं निकलेंगे जब तक बेटे का चेहरा ना देखे। वो कहता मैं डॉलर भेज देता हूं, डॉलर की जरूरत है मां को कि बेटा का चेहरा देखने की जरूरत। फिर उनको तकलीफ होती है कि ये क्या कर दिया हमने, पहले तो बड़ी खुशी खुशी में कहते हैं बेटा अमरीका गया, बेटी अमरीकी गई, और फिर तो अंत में कहते हैं कि ये तो सत्यानाश हो गया। फिर उनके बेटा बेटी उनको भूल जाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी मैंने देखा है कि करीब किसी गरीब माँ बाप का बेटा किसी तरह से अमरीका पहुंच गया तो अपने माँ बाप को माँ बाप नहीं मानता। ऐसे बहुत किस्से मैंने देखे कि वो अपनी विदेशी पत्नी को लेके आता है तो माँ बाप का परिचय कराता है कि ये मेरे पर्सनल सर्वेंट्स हैं। हाँ, तब उनके माँ बाप को समझ में आता है कि ये क्या कर दिया हमने। ऐसे किस्से बहुत होते हैं, पर ऐसे भी किस्से बहुत होते हैं कि हमारे देश के माँ बाप हैं, अपने बेटे को अमरीका भेज दिया, अब आस लगा के बैठे हैं कि किसी दिन बेटा की शादी करेंगे, पता चला बेटा ने तो वहीं शादी कर। वो कहता है कि अब आप आशीर्वाद दे दो बस,
शादी तो मैंने कर ली, और ऐसा भी हो गया कि शादी तो इसलिए कर ली है, नहीं तो बिना शादी के बच्चा होने वाला था, अभी क्या करें, इसलिए शादी कर ली। तब उनका सिर पकड़ना शुरू होता है कि हमने ये क्या किया। मैं अभी कुछ दिन पहले पंजाब घूम रहा था, तो पंजाब में मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने कि जिन माँ बाप ने अपने बेटों को भेजा, फिर उन माँ बाप ने इस उम्मीद पर अपने बेटों की शादियां यहां की कुछ लड़कियों से तय कर दी कि बेटा तो हमारी बात मानने ही वाला, तो शादी होने के बाद कुछ नहीं हुआ, वो लड़की भी यहां है, बेटा किसी और के साथ। ऐसी हजारों लड़कियां हैं पंजाब, ऐसा एक दुष्चक्र बन गया। और हमारे देश के कुछ पढ़े लिखे बेवकूफों ने कच्चा माल अमरीका में सप्लाई करने का एक धंधा शुरू कर दिया। ये जो लड़के लड़कियां जाते हैं ना, ये कच्चा माल अमरीका में सप्लाई हो रहा है, ये मैं ऐसा बोलता हूं। अमरीका दुश्मन है, और उसी दुश्मन की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के काम में हमारे देश के लोग लगे। आप बताइए, इससे ज्यादा खूबसूरत दुष्चक्र क्या होगा कि आपका दुश्मन है और आपको ही पीट रहा है आपकी गोटी से। उसमें अमरीका हमको कैसे पीट रहा है? कभी भी अमरीका इस देश की टेक्नोलॉजी को डेवलप नहीं होने देना चाहता। इस देश के वैज्ञानिक अगर यहां रुक जाएंगे, इंजीनियर्स यहां रुकेंगे, डॉक्टर्स यहां रुकेंगे, मैनेजर्स यहां रुकेंगे, तो हिंदुस्तान में रुककर कुछ ना कुछ बड़ा काम करेंगे। वो नहीं हो पाए, इसलिए वो अमरीका बुला लेते। और अमरीकियों को क्या फायदा है कि उनको सस्ती कीमत पर अच्छे नौकर काम करने को मिल जाते। हमारे देश के जो इंजीनियर्स हैं, मैनेजर्स हैं, कम पैसे पर अमेरिका में काम करने को तैयार, कम पैसे पर और ज्यादा समय तक काम करने को तैयार। यहां अगर किसी लड़के को आप कहो कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक की नौकरी करनी है तो मुंह बनाएगा, वहां अमेरिका में सवेरे 8 बजे से रात 8 बजे तक घिसता है तब उसको तकलीफ नहीं। कोई भी हिंदुस्तानी आदमी जो अमेरिका गया है, सवेरे 7-8 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक अगर काम ना करे तो उसको जिंदगी चलानी भी मुश्किल, माने ठीक से उसकी जिंदगी भी चल जाए ये बहुत मुश्किल है। 12 घंटे काम उसको करना ही पड़ेगा तब उसकी ठीक से जिंदगी चलती, और यहां 6 घंटे काम करो तो उनको नानी मरती। ऐसे उल्टी बुद्धि के लोग हैं हमारे देश में। और यहां कोई अच्छी खासी नौकरी मिले वो उनको पसंद नहीं है। अमेरिका में किसी लेबोरेटरी में असिस्टेंट बनकर काम करने को तैयार। यहां से ग्रेजुएट हुए इंजीनियर अमेरिका में पता नहीं लेबोरेटरी असिस्टेंट कितनी संख्या में। यहां वो इंजीनियर हो सकते हैं लेकिन अमेरिका में सिर्फ लेबोरेटरी असिस्टेंट है, उसमें काम करने को तैयार। यहां से गए हुए डॉक्टर्स वहां के सीनियर डॉक्टर्स के नीचे काम करने को तैयार है, और यहां अच्छी जमी जमाई प्रैक्टिस छोड़कर अमेरिका भागे। और यहां से जब भागते हैं तो दुनिया उनको ऐसी दिखाई जाती है कि सब कुछ स्वर्ग है, सब कुछ अच्छा अच्छा अमरीका में ही है, उससे ज्यादा बढ़िया स्वर्ग तो पूरी दुनिया में नहीं है। वहां जाकर जब नरक देखना पड़ता है उनको, तो बेचारे मुश्किल में ये फंसते हैं कि अब इस नरक की कहानी कहें तो किसको कहें, क्योंकि यहां से जब भागे थे तो स्वर्ग समझकर भागे थे और वहां मिला है नरक, तो उस नरक की कहानी वो कहें तो किसको कहें, अपने मुंह से तो किसी को नहीं, तो कुछ भी झूठ मूठ बोलते हैं। अमेरिका से हिंदुस्तान में आएंगे तो हमेशा हावी रहेंगे, कहीं आप उनकी कोई दुखती हुई नस ना पकड़ लें तो आपसे 50 तरह की ऐसी बातें कहेंगे जिनको आप कभी ठीक से समझ पाए या ना भी समझ पाए, कुछ ऐसी फालतू की बातें सुनाएंगे जिनसे आपको कुछ लेना देना नहीं। और असलियत की कुछ बातें आपने पूछना शुरू किया तो चुप हो जाएंगे। मैं तो ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जिनके साथ मेरा रोज इस तरह का साबका पड़ता। और ऐसे बहुत सारे माँ बाप हैं जो अपने बेटा बेटियों के बारे में यहां कल्पना करके बैठे हैं कि बेटा तो बहुत बड़ा काम करता है, वहां होटल में बैरे की नौकरी करता है, या सड़क पर खड़े होकर अखबार बेचता है, या मेट्रोज में सफाई करने का काम करता है, या मेट्रोज में कुछ कूड़े बीनने का काम करता है, इस तरह के काम करते हैं, या फूल बेचने वाली दुकान पर शॉपकीपर है, इस तरह के काम में बहुत सारे, होटल में कहीं है, इस तरह के काम, बर्तन साफ करने के काम में लगा, ये साफ करने के काम में लगा, वो साफ करने के काम। तो अमरीकियों को क्या है, कम पैसे में और अच्छे मजदूर उनको मिल जाते हैं, और स्किल्ड मजदूर उनको मिल जाते हैं। और फिर ये लोग बेचारे जो भागकर अमरीका जाते हैं, ना तो वो भारतीय रह पाते हैं ना अमरीकी हो पाते, बीच में त्रिशंकु की तरह से लटक जाते हैं जो जिंदगी भर के लिए उनके लिए नरक बन जाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।